भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सीनियर लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के 11वें सदर के इंतखाबात के लिए पीर की दोपहर यहां पर्चे नामजदगी दाखिल की। पार्टी के मरकजी दफ्तर में नड्डा ने दोपहर इलेक्शन ऑफिसर राधा मोहन सिंह के सामने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर 21 रियासती सुदूर समेत मुख्तलिफ लीडरों ने पर्चे नामजदगी इलेक्शन ऑफिसर को सौंपा। नड्डा बिला मुकाबला इंतखाब तय माना जा रहा है। नामजदगी दाखिल किए जाने के मौके पर साबिक सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, साबिक सदर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह, साबिक सदर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बी एल संतोष, जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव, अनिल जैन, पार्टी नायब सदर शिवराज सिंह चौहान, मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद जोशी, हरदीप पुरी, किरण रिजिजू वगैरह मौजूद थे। बीजेपी सदर के इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक 10:30 बजे से 1:30 बजे तक पर्चे नामजदगी दाखिल किए जाएंगे। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक पर्चे नामजदगी की जांच की जाएगी और 2:30 बजे से सदर ओहदे के इलेक्शन का सरकारी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शामिल 4 बजे नए सदर के इस्तकबालिया प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। पार्टी हेडक्वार्टर को फूलों से सजाया गया और पार्टी कारकुनान का जबरदस्त हुजूम उमड़ पड़ा रहा। नड्डा के आबाई रियासत हिमाचल प्रदेश से बड़ी तादाद में कारकुनान आए हुए हैं।